नमो संस्कृताय। प्यारे विद्यार्थियों, एग्ज़ाम काफ़ी पास है और इस समय आपकी तैयारियां बहुत अच्छी चल रही होंगी, ऐसी मैं आस करता हूं। विद्यार्थियों, बहुत ज़्यादा जो सवाल ये बना हुआ है आपके जहन में कि कक्षा 12 की जो संस्कृत साहित्य का बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें मुख्य रूप से हमको किन कौन से पाठों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, कौन कौन से अध्याय हैं जिनको हमको विशेष तौर पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, तो इस वीडियो में हम इस पर ही बात करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मित्रों, करते हैं वीडियो प्रारंभ। देखिए मित्रों, ये हैं आपके कक्षा 12 के सभी पाठ और ये जो सभी अध्याय हैं इनमें आपके इस बार जो सिलेबस कम किया गया है उसके अनुसार कुल आपको 10 पाठ जो हैं वो तैयार करने हैं, यानी आपको 10 पाठों को तैयार करना है, जहाँ से आपसे गद्य, पद्य और नाटक तीनों से एक एक अंश आएगा, यानी गद्यांश, पद्यांश और नाटकांश आएगा, जहाँ से आपको प्रश्नों के उत्तर उसमें से ढूंढ करके देने हैं। अब बात यह आती है कि कौन सा पाठ विशेष रूप से हमें तैयार करना चाहिए। देखिए मित्रों, हम अगर इसमें से नाटक की बात करें तो ये 10 पाठों में से, तो नाट्यांश की हम बात करें तो नाटकांश में एक ही पाठ है, यानी 10 पाठों में से केवल एक ही पाठ है जो हमारे नाटक से संबंधित है और वो पाठ है आपका तीसरा पाठ, बाल कौतुकम। ये पाठ को आपको विशेष रूप से देखना होगा, यानी यहाँ से आपको हिंगनवाद याद नहीं करना है, लेकिन इस पाठ से आपसे नाटकांश आएगा 100% आएगा और इसमें से आपको प्रश्नोत्तर जो है वो छांटने हैं, यानी एक अंश दे दिया जाएगा नाटक का और उसी में से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए इस पाठ को आप विशेष रूप से देख लीजिएगा, ये पाठ 101% आएगा। ठीक है, क्लियर बात। अब बात करते हैं गद्य और पद्य में से कौन से पाठ इम्पोर्टेंट हैं। तो देखिए मित्रों, गद्य और पद्य की बात करें तो पद्य के हमारे तीन पाठ हैं, तीन पाठों में एक पाठ है आपका विद्या अमृतम अश्नुते, ठीक है, एक हमारा पाठ है रघुकूत संवाद, ये दोनों पाठ पद्य के हैं। इसके अलावा आपका एक जो पाठ है वो पाठ है ये सुक्ति सुधा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सुक्ति सुधा वाला पाठ, इस तरह से तीन पाठ है, लेकिन तीनों पाठों में से विशेष रूप से आपको तैयार करना है वो मैं बताता हूँ कि एक तो आपको सुक्ति सुधा, ये पाठ जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट पाठ है, ठीक है, तो इसको आप स्टार लगा लीजिएगा। इस पाठ से आपको अन्वय, भावार्थ और साथ ही साथ प्रश्नोत्तर भी यहाँ से पूछे जाएंगे। इसके अलावा हम बात करें तो दूसरा जो पाठ है वो रघुकूत संवाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पाठ है, ध्यान रखिएगा रघुकूत संवाद, इस पाठ को आप विशेष रूप से देखिएगा क्योंकि ये पाठ भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दो पाठ आपको यहाँ से तैयार करने हैं, एक तो आपका रघुकूत संवाद और दूसरा सुक्ति सुधा, ये दोनों पाठों को विशेष रूप से देख लेना है। अब बात करते हैं गद्य की। तो देखिए मित्रों, गद्य की हम बात करें तो गद्य में आपके शुकनास उपदेश ये पाठ है, उसके अलावा विक्रम उर्वशियम, विक्रमस्य औदार्यम, एक आपके भू विभागा, कार्यम व साध्यम, देहम व पात्यम, दीन बंधु श्री नायर और उद्बीज परिषद, ये पाठ हैं। लेकिन इन सभी पाठों में से हमें कौन से दो पाठ तैयार करने हैं, तो मित्रों यहाँ पर दो पाठों की अगर हम बात करें तो देखिए, एक तो आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सुकनास उपदेश, इस पाठ को विशेष रूप से देख लेना है क्योंकि यहाँ से आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। सुकनास उपदेश विशेष तौर पर स्टार लगा लीजिएगा इस पाठ को, तो ये आपको देख लेना है। इसके साथ ही आपको एक और पाठ है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है कार्यम व साध्यम, देहम व पात्यम, इस पाठ को भी आपको विशेष तौर पर देखना है। तो मित्रों, वैसे तो हर पाठ इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन ये 10 पाठों में से भी 5 जो महत्वपूर्ण पाठ हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, क्योंकि मैं आपको पिछले 12 साल से संस्कृत क्लास सेज ले रहा हूँ 12वीं क्लास की, और 12वीं क्लास को 12 साल से पढ़ाने से मेरा जो अनुभव है वो ये कह रहा है कि इस बार के लिए 5 पाठ काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ इन पाठों को, आपको क्या करना है कि देखिए, एक तो आपका जो नाटक का पाठ है बाल कौतुकम, इस पाठ को विशेष तौर पर तैयार करना है। तो देखिए पाठ नंबर 3, तो अब आपको बाल कौतुकम पाठ को देखना है, ठीक है, नाटक के लिए। और पद्य के लिए बात करें तो रघुकूत संवाद, एक तो ये पाठ है, और इसके अलावा आपको
पद्य के लिए सुक्तिसुधा पाठ को देखना है, ठीक है। तो सुक्तिसुधा पाठ को आपको देख लेना है। गद्य की हम बात करें तो एक आपको सुकनास उपदेश पाठ को ध्यान में रखना है, इसको अच्छे से देखना है। और इसके अलावा आपको कार्यम व साध्यम देहम व पात्यम इस पाठ को विशेष रूप से देखना है। तो इस प्रकार से मैंने आपको 5 इंपॉर्टेंट पाठ बता दिए हैं। तो कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट कर बताइएगा। यदि आपको किसी भी टॉपिक पर दिक्कत है तो हमें कमेंट कर बताइएगा, उससे संबंधित आपको ये वीडियो मिल जाएगा। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है मित्रों।